से नाचके हम बरसी से चले हम बादल सा घर छे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम आईटी और आईटीज का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है वो बीपीओ से रिगार्डिंग है। जैसे पिछले जो दो सेशन गए हैं उसमें हमने एक चैप्टर में फर्स्ट वन ये जानना सीखा है कि व्हाट इज़ द आईटी और आईटीज, सेकंड में व्हाट इज़ द आउटसोर्सिंग। नाउ जो थर्ड वन सेशन है दैट इज़ द रिगार्डिंग बीपीओ। बीपीओ क्या होते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या आप अपना जो बिजनेस है वो आउटसोर्सिंग कंपनीज को किस टाइप से दे सकते हैं? जैसे अगर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ है तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सारे काम खुद नहीं किए जा सकते, तो बहुत सारे ऐसे बीपीओ सेक्टर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अब वो हेल्प किससे रिगार्डिंग करेंगे? जैसे कि लाइक आप कहीं भी कॉलिंग करवाना चाहते हैं, 24x7 आपकी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत तरीके की हेल्प आपके पास प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बीपीओ क्या है? बिजनेस हेयर रिफर टू द बिजनेस हाउस और कॉरपोरेट। मतलब जो बिजनेस और रेफर किया जाता है बिजनेस हाउस को या किसी भी कॉरपोरेट को। पी का मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस रिफर टू जॉब्स। थर्ड वन आउटसोर्सिंग इज द जॉब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस टू द थर्ड पार्टीज। मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट देना कि आपको ये वर्किंग करना है, तो उस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? बीपीओ सेक्टर हो गया, बी पी और ओ। नाउ एक बीपीओ के टास्क क्या क्या होते हैं? जैसे लाइक फोन प्रोसेसिंग, टेक्निकल सपोर्ट, टेलीमार्केटिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, आईटी हेल्प डेस्क, डेटा एंट्रीज, डेटा कन्वर्शन एंड कस्टमर सपोर्ट। ऑल दीज आर द वर्किंग ऑफ ए बीपीओ सेक्टर। नाउ डोमेस्टिक, दो तरह के बीपीओ होते हैं, वन इज़ द डोमेस्टिक एंड सेकेंड वन इज़ द इंटरनेशनल। नाउ व्हाट इज़ द डोमेस्टिक बीपीओ? डोमेस्टिक जो बीपीओ होते हैं वो बीपीओ होते हैं जो आपके एक होम से रिगार्डिंग होते हैं, मतलब एक पूरे देश से रिगार्डिंग है। अगर देश के हैं तो इंडियन जो हो गए वो डोमेस्टिक कहलाएंगे। डोमेस्टिक बीपीओ ऑफरिंग सर्विस टू द डोमेस्टिक कस्टमर। द सर्विसेज ऑफर आर, मतलब जो डोमेस्टिक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, द फर्स्ट वन इट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर केयर सपोर्ट एंड अदर डेटा एंट्री सर्विसेज। मतलब मोस्टली ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? आफ्टर सेल, कि एक प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो प्रोडक्ट कैसा लगा, कस्टमर से व्यू जानना, कस्टमर केयरिंग सपोर्ट कि 24x7 आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प ले सकते हैं, और कोई भी डेटा एंट्री से रिगार्डिंग वर्किंग करवा सकते हैं। सेकेंड वन, देर आर सर्टेन फॉरिन कंपनीज दैट हैव द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बींग यूज बाई एन इंडियन कस्टमर। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फॉरन प्रोडक्ट हैं और इंडियन लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं, एंड सो हैव एस्टेब्लाइज देयर कॉल सेंटर इन द इंडिया। तो उन कंपनियों ने अपने कॉल सेंटर बनाए हुए हैं इंडिया के अंदर। वी कैन ऑब्जर्व दैट मैनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस जो घर में आप यूज करते हैं, लाइक एयर कंडीशनर है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, ऑल दीज आर द मैन्युफैक्चरर इज अ फॉरेन कंपनी। जैसे लाइक एलजी है, सैमसंग है, तो इनके जो कंपनीज हैं इनके कॉल सेंटर्स इंडिया में यहाँ पे हैं। थर्ड वन, द डोमेस्टिक बीपीओ इंडस्ट्रीज हैज़ ग्रोन इन रेट ऑफ 30% इन द लास्ट 5 ईयर। मतलब पिछले 5 साल में जो बीपीओ सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो 30% एक साल में इंक्रीज हो रही है। टूडे इंडिया इज रैंक नंबर 1 इन द ग्लोबल बीपीओ मार्केट। मतलब इंडिया नंबर 1 पे है ग्लोबल बीपीओ मार्केट के अंदर। देर आर मोर देन 500 कंपनीज ऑफरिंग बीपीओ सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट वन, एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, CSR, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वन नीड टू बी अप टू डेट विद द एस्टेब्लाइज्ड मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिस द सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। मतलब उसे प्रैक्टिस करनी होगी कि आज के दिन के अकॉर्डिंग में, मतलब क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से कस्टमर के साथ बिहेवियर करना है, तो वो सब चीज़ें उसको पता होना चाहिए। नाउ रियल टाइम एंड राइट टाइम, मतलब रियल टाइम क्या है और राइट टाइम क्या है। द मेन फोकस ऑफ रियल टाइम टू राइट टाइम इज रिसोल्व कस्टमर क्यूरीज और प्रोडक्ट एज पर एज गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स क्या है कि आप उसको वास्तविक समय क्या देते हैं और सही समय पे क्या यूज करते हैं। मीन्स आप कस्टमर को वही चीज़ बताइए जितने टाइम पे आप वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आई, सपोज मोबाइल आपने खरीदा और आप किसी भी कस्टमर केयर में गए हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो उतने टाइम के बाद वो चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए। द चैलेंज स्केल विल बी डिफिकल्ट टू मोस्ट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क है किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे फर्स्ट वन देखो, कस्टमर सर्विस एज अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। देर इज ए फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग कस्टमर सर्विस डेटा इन टू द ओवरऑल मार्केट रिसर्च। मतलब कस्टमर क्या सोचता है, किस टाइप की मार्केट है,
तो ऑल दीज आर द कस्टमर सर्विसेज में. सेकेंड में मल्टी चैनल्स टू कस्टमर सेंट्रिक. ए टोल फ्री फोन नंबर इज सिंगल चैनल फॉर कस्टमर सर्विस. मतलब मोस्टली जो बेसिकली बीपीओ सेक्टर होता है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टोल फ्री नंबर देते हैं. द फोकस विल नाउ ऑन द बोथ इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल्स कस्टमर सर्विस. लेकिन आज के दिन मल्टी चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक ईमेल सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज हैं, वॉइस कॉल हैं एंड एनी अदर चैनल्स. मतलब आज के दिन ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं कस्टमर के पास कि वो अलग अलग टाइप से इस टाइप के सेक्टर्स को यूज़ कर सकता है. नाउ मोटिवेटिंग कस्टमर सपोर्ट एजेंट. मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कस्टमर को मोटिवेट करते हैं. मोटिवेट करने का मतलब भी आप ये प्रोडक्ट परचेज करिए, इसमें आपको ये बेनिफिट है, यार बहुत सारी चीज़ें वो कस्टमर को बताते हैं. जैसे देखिए, वेदर यू आर बिजनेस इज टू बिजनेस टू बिजनेस यानी बी टू बी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चर है और वो डायरेक्टली अपने होलसेलर या रिटेलर को से काम करता है. दूसरा जो बिजनेस होता है बिजनेस टू कस्टमर. बिजनेस टू कस्टमर का मतलब एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए आपको कस्टमर्स को हैंडल करना है. इन द एंड कस्टमर सर्विस इज ऑफन पर्सन टू पर्सन. लेकिन जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो कैसे होती हैं, पर्सन टू पर्सन यानी पी टू पी के मॉडल पे होती हैं. देयर विल बी एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ द कस्टमर सपोर्ट एजेंट. मतलब इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है कि फोकस किस पे करते हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर. हैप्पी मोटिवेटेड कस्टमर सर्विस एजेंट प्रोवाइड बेटर सपोर्ट एंड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस. मतलब जो खुश बेसिकली एजेंट हैं वो एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर सर्विस एजेंट हैं वो एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, फोकस ऑन सेल्फ सर्विसेज. सेल्फ सर्विसेज पे भी बहुत सारा फोकस किया जाता है. जैसे इस टाइप से आपने देखा होगा साइट पे जाते हैं तो सेल्फ सर्विस का मीनिंग कि जैसे उसमें उसका पूरा गिवन डिस्क्रिप्शन होता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, सब चीज़ें उसमें गिवन होती हैं. तो स्टूडेंट्स दैट इज़ अवर पार्ट नंबर 3. अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वन सेशन आएगा पार्ट नंबर 4 हमारा. तो आज जो हमारा सेक्टर रहा वो बीपीओ से रिगार्डिंग रहा कि बीपीओ सर्विसेज के काम क्या होते हैं और वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इससे बिजनेस को भी बेनिफिट होता है और कस्टमर को भी बेनिफिट होता है. मतलब बीपीओ सेक्टर एक इंटरलिंकिंग का काम कर रहा है कस्टमर्स और आपके पास इंडस्ट्रीज के बीच में. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर पार्ट नंबर 3.